स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे इस आयरन को, ये जो ख़राब हो गया है इसे हम लोग आज रिपेयर करना सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम इसे रिपेयर घर में ही। तो देखिए, ये इसे हम लोग पहले खोलेंगे। पहले से ही मैंने इसे खोल कर रखा है ऐसे, तो इस तरह से हम लोग इसको खोल लेंगे। पहले स्क्रू वहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से इसके वायर को अलग करेंगे। वायर को भी अलग मैंने कर लिया था, खोलते समय ये ऐसे खुल गया था। तो देखिए, ये जो है इसमें वायर लगा हुआ है, अच्छे क्वालिटी का वायर मैंने इसमें लगाया था बाद में। ऐसे ये नॉर्मली इसमें अच्छा क्वालिटी का वायर नहीं आता, आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। ये देखिए, वायर को सरकने के लिए रहता है, मतलब कि ये पीछे खिंचा ना जाए इसलिए लगा रहता है। तो इसको मैंने अभी लगा दिया ठीक से, इसके वायर को ठीक कर लिया। अब देखिए, ये जो इसका एलिमेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो है इसमें करंट आ रहा था। तो इसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये देखिए, ये जो है मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ख़राब जल्दी नहीं होता है। डिजिटल वाला बहुत सारा लिया मैंने, ख़राब हो गया, तो एनालॉग ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग पहले कंटिन्यूटी में सेट कर देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी बता रहा है इसमें कांटा, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें ये एलिमेंट को चेक करेंगे कंटिन्यूटीज़ का, कि ये सही है कि नहीं। तो ये डायोड से पहले चेक करेंगे पहले कि वो सही है कि नहीं। देखिए, ये सही है, मतलब ये हीट होता है लेकिन इसमें करंट आ रहा था, इसलिए हम लोग इसको बना रहे हैं फिर से। ये देखिए, डायोड जो है वो उल्टा लगा हुआ वहाँ पर, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं बता रहा। फिर देखिए, इसे हम लोग ये चेक कर लिए। अब डायोड को हम लोग चेक करेंगे कि ये डायोड ठीक है कि नहीं। देखिए, ऐसा डायोड ठीक ही लग रहा है क्योंकि ये इसमें नहीं बता रहा, तो उल्टा में बताएगा वो। देखिए, डायोड चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, डायोड भी ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, अच्छा है या ख़राब है। एक बार बॉडी में भी लगा के देख सकते हैं कि बॉडी अच्छा है, मतलब कि अर्थ है कि नहीं। ये देखिए, ये जो एलिमेंट है नया मैं लेके आया हूँ, इस तरह से ये पैकेट में आता है। ये 20 या 30 रुपये में मिलेगा आपको। और वो जो एलिमेंट है उसको अलग कर हटा दिया मैं, इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए, वायर को देखिए, बड़ा छोटा वायर है क्योंकि ऊपर नीचे रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये सट जाएगा एक दूसरे में। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। डायोड को अलग नहीं करना, डायोड में ही कनेक्ट करना, ठीक है। एक साइड डायोड में, एक साइड बिना डायोड का, ठीक है। तो वायर को थोड़ा लंबा ऊपर नीचे काटा हुआ है, तो इसको हम लोग इसको इस तरह से हाथ से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ हाथ से कनेक्ट नहीं करना, इसमें आपको ये सोल्डिंग भी करना चाहिए। देखिए, दूसरा सोल्डिंग आयरन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर इसे आप अच्छे से लपेट दें, नहीं तो फिर ये शॉर्ट कर जाएगा। इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग फ्लास्क, जिसे पेस्ट भी बोलते हैं। और मेरे पास ये देखिए, ये 35 वाट का है, 35 वाट का सोल्डिंग आयरन है, फिलिप्स वाला, या सैरन का भी आता है। ये अच्छा सोल्डिंग आयरन, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। ज़्यादा हीट चाहिए तो ये सोल्डिंग आयरन यूज़ करना चाहिए। ये देखिए, इसको हम लोग फिर वहाँ पे शोल्डर को लगाते हैं। देखिए, शोल्डर को अच्छे से लगाने के लिए आप उसको ज़मीन में रख दें या फिर कहीं पर फंसा दें, उसके बाद वहाँ पे शोल्डर को गर्म करके लगा सकते हैं। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि इसको अच्छे से कनेक्ट करें, नहीं तो फिर ये लूज़ होने के कारण क्या होता, दूसरे वायर में सट जाएगा, फिर ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं आएगा ये, ठीक है। ये देखिए, अच्छे से कनेक्ट करने का मतलब है कि उसको अच्छे से थोड़ा सा देखिए, उसको वायर जो रहता है ना अंदर में, वो वायर सोल्डर होने लायक नहीं रहता है। जो उसमें जो पिन निकला हुआ है वो सोल्डर होने लायक रहता है, तो उसके ऊपर करके जैसे भी करना है आपको कर सकते हैं, सोल्डर कर दीजिए। वायर के साथ में करने की कोशिश कीजिएगा, वो वायर सोल्डर नहीं होता उसका, वो दूसरे धातु का बना हुआ है, इसलिए उसमें सोल्डर नहीं होता। देखिए, अच्छे से ही करना है, देखिए इसीलिए नहीं हो रहा, वो वायर दूसरा क्वालिटी का है, दूसरे मेटल का बना हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए सोल्डिंग करना इसको। देखिए, इसको हम लोग ना इसको लगा देते हैं, ये लग गया। देखिए, इसको ये जो वायर खींच ना जाए इसलिए उसको अच्छे से लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वायर फिर खिंचाएगा, कोई काम नहीं आएगा फिर इसको। देखिए, इसको लगाने के बाद इसके होल्स को मैच कीजिएगा जहाँ स्क्रू लगने का है। स्क्रू लगाने के लिए ये होल्स को मैच करना ज़रूरी है। देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं होल्स। उसके बाद ये दूसरे वाले जो है इसको लेंगे, इसमें स्क्रू फंसा हुआ रह गया, इसको निकाल लेते हैं हम लोग।
इसका स्क्रू को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है इसका स्क्रू को अच्छे से निकाल लीजिए। कोई भी काम कीजिए सेफ्टी से कीजिए, नहीं तो फिर ये बहुत ही दिक्कत कर देगा आपको। स्क्रू को देखिए मैं निकाल रहा हूँ। इसे निकालिए अच्छे से, नहीं तो फिर ये मतलब हाथ वाथ में लग जाएगा चोट। इससे बढ़िया है कि अच्छे से निकालिए, धीरे धीरे निकालिए। कोई भी काम कीजिए धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। देखिए निकल गया ये। अब इसको हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं। देखिए ये होल मैच करना ज़रूरी था, बताया था आपको। देखिए होल इसमें बराबर हो गया कि हाँ वहीं पर है, तब इसे अच्छे से लगाइए। देखिए इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। देखिए वीडियो जो है सबका देखना चाहिए आपको, एक वीडियो ना देखें सब देखें, इसलिए मेरा भी वीडियो पूरा देखें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो ये देखिए इसको मैं लगा, तो मेरे पास दो ही स्क्रू है अभी फ़िलहाल, मैं तीसरा लगा लूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास दो ही है इसलिए दो ही लगा रहा हूँ, नहीं तो फिर ये क्या होगा बैंड होगा निकल जाएगा बाहर, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। ठीक है ठीक है, इस तरह से ये लग गया। अब देखिए इसका जो ऊपर का मतलब मेटल है, जिसे ये बीट है, शोल्डर का बीट है जो, जिसमें मोटा पतला आप जैसा भी लगा सकते हैं, तो मैं थोड़ा मीडियम यूज़ करता हूँ। देखिए इसे निकालेंगे इस तरह से, इसका जो लॉक है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो निकालना इतना भी आसान नहीं है इतना दिख रहा है, उसे थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ता है क्योंकि वो टाइट रहता है। तो उसको निकालने के लिए थोड़ा कुछ टूल्स का यूज़ कर लें आपके हिसाब से, जैसा भी आपको सुटेबल लग रहा है कि आप उससे कर सकते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। देखिए निकल गया है, बहुत देर में निकला था ये, आपको जो जल्दी दिख रहा होगा। इसके लॉक को इसमें डाल देते हैं पहले, उसके बाद बीट को लगा देते हैं। थोड़ा दबा कर लगाएंगे क्योंकि वो टाइट जाना चाहिए, अच्छा रहेगा टाइट जाएगा तो, लूज़ रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए टाइट है, इसमें चल गया। अब इसके लॉक को हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, लॉक को ऊपर ले जाएंगे और लॉक को आपके पास में प्लायर है तो उसे टाइट कर सकते हैं। किसी चीज़ से मारे नहीं रख के इसको, नहीं तो फिर ये फट जाएगा वो, और लीक कर जाएगा उसका बॉडी, फिर उसके बाद करंट आएगा बॉडी में। इसीलिए आप प्लायर से ऐसे हल्का सा दबाएं, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, नहीं तो फिर ये फट जाएगा, कोई काम नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो देखिए ऐसे मैं दबा रहा हूँ, ये नोज़ल प्लायर है मेरे पास, क्योंकि इसमें हल्का दबाव पड़ता है, बड़े प्लायर से थोड़ा ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसका लॉक जो है थोड़ा टाइट है इसलिए दब नहीं रहा था, मैंने बड़े प्लायर का इस्तेमाल करके इसको दबाया है। देखिए देखिए दब गया। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप सोल्डिंग आयरन को अगर ख़राब होता है घर में ही बनाइए, किसी को देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कर लें। ठीक है, और ये देखिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये फिर से मल्टीमीटर से हम लोग चेक कर लेते हैं, या डायोड लगा के भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए डायोड होने के कारण एक साइड बताएगा एक साइड नहीं बताएगा, तो मतलब कंटिन्यूटी बताएगा एक साइड नहीं बताएगा। तो देखिए एक साइड बता रहा है एक साइड नहीं बता रहा, मतलब हम लोग का जो आयरन है वो ठीक से बन गया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अपने घर में करें।